हमीजत दीनी की आग भर देता है। मेरा रब और उसकी बात कामाल, मेरा अल्लाह और उसके दीन की धज्जियां बिखेरी जा रही है। हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन माना हई, मेरे होते हुए अभी मैं जिंदा हूं और दीन में कोई तगय्युर तो बदल आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो बेगैरती, हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। और इस बेगैरती और बेहमीयती का आलम जो है, जो हमारे दीन में मकाम है, उसको सुन लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला इला जिब्राईल अलैहि सलातु वस्सलाम अनिक्लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बे अहलिहा, अल्लाह ने वही की हजरत जिब्राईल को अलैहि सलातु वस्सलाम, फला फला बस्तियों को उलट दो, सदूम और आमूरा की बस्तियों की तरह अजाब हलाकत नाजिल कर दो। ताला फताला, हुजूर फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, या रब इन फीहा अब्दक फलानन लम यासिक तरफतायन, ऐ अल्लाह कर उस बस्ती को उलट दो उसमें तेरा फलाम बनता भी रहे जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत ने बसर नहीं की। किसी के जाती तकवा के क्या इंतहा है, जाती नेकी का क्या आलम है, किसी के जोहद की क्या सतह है, जरा गौर कीजिए। गवाही देने वाले जिब्राईल हैं, कोई किराए के वकील नहीं है और कोई पुलिस के टाउट नहीं है। लब यहां से कतर फताए काला फकाला, वो फरमाते हैं अल्लाह ने शायद फरमाए वाले हिम, उन पर इस बस्ती को पहले इस बदबख्त पर फिर दूसरों पर, इसलिए कि इसके चेहरे का रंग कभी मेरी गैरत और हमीयत की वजह से मुतगैर नहीं हुआ। इसको किसी ने मां की गाली दे दी तो पूरे जिस्म का खून चेहरे में आ गया, कुछ कर ना सका हो, कांप तो गया अपनी जगह पर और मेरे दीन की धज्जियां बिखरते हुए देखता रहा और लगा रहा मस्त रखो जिक्रो फिक्र सुबह गाही में इसे और पुख्ता कर दो मिजाज खान काही में इसे। मसाइल में उलझाओ, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए, जहरी तौर पर नहीं पढ़नी चाहिए। डेढ़ घंटे की तकरीर सुनने के बाद असल मसला ही उठा, मेरा यही तो गर्क नहीं हो गया है। जिसने कहा था क्या उसे मालूम है इख्तलाफी मसला है। उलझा रखो है यही बेहतर, इलाही याद में उलझा रहे, ये किताब अल्लाह की तामीलात में उलझा रहे। चौथी चीज, अगर ये ईमान बिल्लाह हकीकी पैदा हो जाएगा तो तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर, असबाब पर नहीं, वसाइल पर नहीं। तफवीलुल अम्र इलल्लाह वरफ़तुल अम्र इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, और राजी बरगाए रब, अल्लाह मैंने अपनी जान खपा दी, अभी तेरी मशीयत में नहीं है कोई नतीजा निकलना, मैं राजी हूं। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, तेरी अपनी मशीयत है। उसकी बेनियाजी का आलम यह है कि जलीलुल कद्र नबी अल्लाह अकबर हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वआतैनाहुल हुक्म सबिया वहलाला मिन लदुन्ना वकाना तकिया, और एक रक्तासा की फरमाइश पर गर्दन उड़ाकर कष्ट में रखकर सर पेश कर दिया, ना आसमान फटा ना जमीन सख्त हुई। इसके मेरे आदमी है, अब कौन फर्ज अदा करना है, बस तवक्कुल उस पर, तफवील अम्र उसको और उसकी रजा पर रख। हम भी तस्वीर की हूं डालेंगे बेनियाजी, तेरी आदत ही सही। चार चीजें होंगी तो ये जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा,
और अभी सिर्फ ईमान बिल्लाह की बात हुई, इसके बगैर कूद जाओ मैदान में, राम बलि करेगा। सियासी जो है लोग अपने हौसला मंदियों का निशाना बनाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं नौजवानों का। असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह की करना, असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह की करना।